नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ठीक है, टावर के टॉप से जो है बॉडी को नीचे फेंका गया, हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड। ये मान लीजिए टावर है और ये ग्राउंड है, ठीक है, यहां से उसको ड्रॉप किया गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो और टोटल टाइम यहां से और यहां तक आने में उसको कितना लगा, 4 सेकेंड, टोटल टाइम लगा उसको 4 सेकेंड। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जितना ये डिस्टेंस है इसका हाफ कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में हमको बताना है। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस मैं लेता हूं 2s, ठीक है भाई, और हाफ मान लेते हैं यहां पर है, तो ये कितना हो गया s। आप चाहो तो s by 2 भी ले सकते हो, टोटल को s मान लीजिए और s को s by 2 यहां पर कर दीजिए, ठीक है, मैंने 2s लिया है यहां पर, ठीक है भाई। अब देखो मुझे निकालना है ये वाला जो है क्या डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का, तो डिस्टेंस क्या होता है s is equal to ut plus half at square। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो क्या हो जाएगा gt square, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो गया s is equal to half gt square, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो टाइम चाहिए ना, टाइम निकालना है, टाइम किसके बराबर होगा ये वाला डिस्टेंस डिवाइड बाय ये वाली चीज है जो भी आएंगी 2s डिवाइड बाय g। अब हमको चाहिए s, s के बारे में, अब देखो जितना s ये है जितना डिस्टेंस ये है उतना ही तो डिस्टेंस ये है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, तो इस डिस्टेंस को भी निकालते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा s is equal to ut plus half gt। अब देखो टोटल टाइम लग रहा है यहां से लेकर यहां तक 4 सेकेंड, हम मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक का टाइम लग रहा है t, यहां से लेकर यहां तक का टाइम लग रहा है t, तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा 4 - k t। तो इसमें जो है हम लगाते हैं u 4 - k हाफ g 4 - t का होल स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टाइम। अब देखो t इसमें भी है, t इसमें भी है और t इसमें भी, इस s को इस वाले s के बराबर कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर t की वेरिएबल बचेगा कौन t, एक चीज और बचेगी कौन सी u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी सेकंड वाले इंटरवल के लिए, देखो यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है टोटल टाइम है 4 - t, इस इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि देखो हमको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, सॉरी इस पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस वाले इंटरवल के लिए यहां से लेकर यहां तक जब ऑब्जेक्ट को गिराया जाएगा तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, तो यहां से लेकर यहां तक के इंटरवल के लिए वो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यू क्या दे रखा है हमको, जीरो, तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ए टी। अब ये वाली जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर, ये वाली वेलोसिटी, ठीक है, इस वाले इंटरवल के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, ये वाली क्या हो जाएगी, u 4 सेकेंड, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं ये u1 है और ये u2 है, इसको मान लेता हूं मैं u2, ठीक है। तो u2 इज इक्वल टू v जो कि फाइनल वेलोसिटी है पहले वाले इंटरवल के लिए, जो कि बराबर है at, यानी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज इक्वल टू gt। तो देखो आप कर देते हैं, देखो ये वाला s इसके बराबर, ये वाला s इसके बराबर, सो हाफ जी टी इज इक्वल टू यू टू, यू टू किसके बराबर है, जी टी के बराबर, सो जी टी 4 - t प्लस हाफ जी 4 - t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जी जी और जी कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। सो ये हो गया t by 2 is equal to gt multiplied by 4 - g t square
प्लस हाफ जी, वो इसको ना खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो ए बी, ठीक है भाई। सो ई ओवर टू इज इक्वल टू जी टी फोर माइनस, अरे जी जी तो मैंने कैंसिल कर दिया, पहले जी को हटाते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। सो इट इज 40 माइनस टी स्क्वायर प्लस, हाँ देखो ये 16 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया 8 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 40, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, ये s इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है यहाँ पर, ये वाला टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है। अब ये टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो गया और 40 से 40 हट गया, नहीं ये तो नेगेटिव है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 480 माइनस 4ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इनको ना ऐड कर देते हैं, 4t, नहीं नहीं सही तो है, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, अगर इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन होता तो हम क्या कर देते, उनको हटा देते। अब ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, सो माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, इससे इसको हटा देते हैं, सो टी इज इक्वल टू रूट 8 बराबर में 2√2, तो उसको ऊपर से नीचे तक सॉरी जो हाफ डिस्टेंस वो कवर करेगा, ये वाला मान लीजिए ये वाला टावर है, ठीक है, और यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाला, ये वाला ग्राउंड है, तो ये वाला हाफ एम डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है एस, इसको कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 2√2 का जो है उसको टाइम लगेगा, बस इसमें यही जो है हमको करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, इट एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा अंटिल इट अटेन्स अ स्पीड वी, कोई कार है मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, और वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0, और वो कांस्टेंट रेट अल्फा पे क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, कब तक, जब तक की जो उसकी वेलोसिटी है वो वी ना हो जाए, ठीक है। इट इज देन रिटार्ड एट अ कांस्टेंट रेट बीटा, उसके बाद उसका डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाता है, और वो जो डी एक्सेलरेशन दे रखा है वो है हमारे पास बीटा, अंटिल इट्स कम टू रेस्ट, मतलब के डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट से और वो यहाँ पे जाके जो है रुक जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट पर जाकर जो है रुक जाएगी, मतलब के वी फाइनल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0, जो उसकी अंतिम जो उसकी वेलोसिटी होगी, लास्ट वाली जो उसकी स्पीड होगी सॉरी, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। उसके बाद एवरेज स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी जो एवरेज स्पीड होगी उसके बारे में हमको बताना है, वो क्या होगी, 0, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन या फिर ये वाला ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो निकल कर आएगा उसके बारे में हमको बताना है। तो देखो एवरेज स्पीड होगी हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डिवाइड बाय टोटल टाइम, हम यहां से लेकर यहां तक का टाइम मान लेते हैं t1 और यहां से लेकर यहां तक का टाइम मान लेते हैं t2, t1 प्लस t2, ठीक है भाई। अब हमको निकालना है s1 और s2 क्या होंगे, s1 का मतलब है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला s1 हो गया, s2 हो गया, s इज इक्वल टू यू टू इस पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी, अब देखो इस पॉइंट पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी इस वाले इंटरवल के लिए, जब यहाँ यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सॉरी स्पीड कितनी हो जाएगी, वी। अब यही वाली वी है ना सेकंड वाले इंटरवल के लिए क्या हो जाएगी, यू टू हो जाएगी, ठीक है, मतलब s1 निकालो, s1 इज इक्वल टू यू टी, अब कहां से चलना स्टार्ट किया उसने, यहां से चलना स्टार्ट किया इनिशियल से, तो ये मान लेते हैं u1,
u1 कितना है 0, सो u1 कितना हो गया 0, तो ये हो गया 0। अब s1 की बात कर रहे हैं, s1 में टाइम कितना लग रहा है t1, सो ये हो गया t1। एक्सीलरेशन कितना है अल्फा, तो अल्फा, तो जो पहला डिस्टेंस होगा वो कितना है हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। अब दूसरा कितना होगा, s2 इज इक्वल टू u2 टाइम t2 प्लस, अब आएगा माइनस हाफ बीटा t2 स्क्वायर। अब क्योंकि देखो एक्सीलरेशन क्या दे रखा है, डी एक्सीलरेशन के फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि यहां से जो है वो रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो बीटा क्या होगा माइनस बीटा, ठीक है। अब u2 क्या दे रखा है हमको, देखो u2 v होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जो स्पीड है वो क्या दे रखी है हमको v, तो इसको हम क्या कर देंगे v v t2 माइनस हाफ बीटा t2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये S1 आ गया और ये S2 आ गया हमारे पास, क्या V T2 माइनस हाफ बीटा T2 स्क्वायर। अब उसके बाद है टाइम, यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना है T1, यहां से लेकर यहां तक का टाइम है T2। अब देखो अब इनको हम जो है ऐड कर देते हैं एक बार, जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो वी एवरेज इज इक्वल टू S1 क्या है देखो, हाफ अल्फा T1 स्क्वायर प्लस VT2 माइनस हाफ बीटा T2 स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम 1 प्लस टाइम 2, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें ना देखो इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कहीं भी हमको टाइम नहीं दे रखा, टाइम के फॉर्म में नहीं दे रखा ना, ये भी चीज देख लो, तो इसमें टाइम को हटा देते हैं। तो अब जो बॉडी है वो यहां से और यहां तक टोटल चलना स्टार्ट किया, ये वाला वो पॉइंट है जहां पे उसका वेलोसिटी कितना वी, तो ये वाला T1 और ये वाला T2, ये क्या है u इज इक्वल टू 0 और यहां पर v इज इक्वल टू v है फाइनल वेलोसिटी जो इसकी ये है। सो v माइनस यू इज इक्वल टू अल्फा, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है ना, वी इज इक्वल टू यू प्लस 88 क्या है हमारे पास एक्सेलेरेशन, जो कि क्या है अल्फा t1। अब यू क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो वी इज इक्वल टू अल्फा t1, तो टाइम 1 कितना आ जाएगा वेलोसिटी डिवाइड बाय अल्फा, स्पीड डिवाइड बाय अल्फा, तो ये हो गया वी डिवाइड बाय अल्फा। इसी तरह से अब इंटरवल यहां से लेकर और यहां तक का, ठीक है। अब देखो ये फाइनल वेलोसिटी है, जो v फाइनल कितनी है 0, सो v फाइनल माइनस इज इक्वल टू v इनिशियल, इनिशियल कितनी है u है जो कि v के बराबर है, v प्लस अब क्या जाएगा माइनस बीटा t2। अब v फाइनल कितना है 0, क्योंकि लास्ट में जाकर यहां पर रुक गई मैं, सो v इज इक्वल टू बीटा t2, तो t2 कितना आ गया स्पीड डिवाइड बाय बीटा 2, स्पीड डिवाइड बाय बीटा, ये आ गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको सॉल्व कर देना है बस, और हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ये वाला T1 भी तो चेंज करना है यहां पर, T1 क्या है V डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर और ये T2 जो कि वी डिवाइड बाय बीटा और ये वी डिवाइड बाय बीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये वी स्क्वायर और अल्फा का स्क्वायर, ये वाला भी वी स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से एक एक वी निकाल लेते हैं, पहले इनको कैंसिल करते हैं, अल्फा एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, ठीक है भाई, और एक बीटा से एक बीटा कैंसिल, तो ये निकल कर आएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अल्फा प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा ओनली माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बीटा। अब यहां पर देखो वी स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा माइनस हाफ
वी स्क्वायर बाई बीटा, एक वी स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा में से अगर हाफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा जाएगा तो क्या होगा, हाफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा ही बचेगा ना बस, तो क्या बचेगा हाफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा ही बचेगा, और नीचे है क्या वी डिवाइड बाई अल्फा प्लस वी डिवाइड बाई बीटा। अब क्या करते हैं, एक वेलोसिटी सॉरी स्पीड और स्पीड में से इनको हटा देते हैं, ठीक है। सो यहां पर क्या रह गया v डिवाइड बाय 2 अल्फा प्लस v डिवाइड बाय 2 बीटा, और ये इसको यहां पे मल्टीप्लाई, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 डिवाइड बाय अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा। अब इसको सॉल्व कर दें, आगे वेलोसिटी और स्पीड को बाहर लेते हैं, ये वाला स्पीड और स्पीड बाहर, ठीक है, इस स्पीड को यहीं पर रहने देते हैं और दो को भी बाहर ले लेते हैं, दो भी बाहर आ गया, ठीक है। अब ये क्या रह गया, वन डिवाइड बाय अल्फा, वन डिवाइड बाय बीटा, और ये वन डिवाइड बाय अल्फा प्लस वन डिवाइड बाय बीटा, इससे ये सारा का सारा कैंसिल, क्या हो गया वी ओवर टू। देखो वी ओवर टू हमारा ये वाला ऑप्शन है जो कि इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट इज गिवन बाय दिस, ये वाला डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमको रूट एक्स, जो कि इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम की फॉर्म में हमको दे रखा है, वेयर एक्स इज इन मीटर्स एंड टी इन सेकंड्स, दिस शोज दैट द बॉडी इज, बॉडी है जो वो क्या करेगी, वो रेस्ट पे है, एक्सेलरेटेड है, डीएक्सेलरेटेड है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, इनमें से क्या होगा उसके बारे में हमको बताना है इसको देखकर, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं दोनों तरफ स्क्वायर लें, सो ये हो जाएगा 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, वेलोसिटी तो आएगी ना निकल के। अब वेलोसिटी के बारे में और देख लेते हैं, सो x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 दूनी 4 या 12t, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम का। अब dx ओवर dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, 2 चौक 8 जमा 9 जमा 12, सॉरी ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो हो गया 8t जमा 12, 8t प्लस 12, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। अब देखो इसमें वेलोसिटी किसका फंक्शन है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर मैं टाइम बराबर 0 धरूं तब वेलोसिटी कुछ और आएगी, टाइम बराबर 1 सेकंड धरूं तब वेलोसिटी कुछ और आएगी, टाइम बराबर 2 सेकंड धरूं तब वेलोसिटी मेरे पास कुछ और निकल कर आएगी। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज हो रही है, तो मोशन कैसा है, मोशन है एक्सीलरेटेड मोशन, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी है वो हो जाएगा सही, यानी कि एक्सीलरेटेड मोशन है हमारे पास जो है, इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब इसी में आपसे वो क्या पूछ सकता है कि भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम बराबर 0 है, ठीक है, t इज इक्वल टू 0, टाइम बराबर 0 मतलब कि जब जहां से टाइम स्टार्ट किया है, t कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से, जब इनिशियल टाइम सेकंड कितना है, 0 सेकंड, मतलब कि किसी चीज जब से हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे तो बढ़ते हैं ना वो, तो वेलोसिटी निकाल दो, t को 0 कर दो, कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी। वो पूछ सकता है एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी ओवर डीटी, यानी कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी क्या दे रखी है, 8t प्लस 12, टी को हटा दो, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और ये क्या है कॉन्स्टेंट 0, सो ये आ गया 8, सो ये हो गया इसका क्या एक्सेलरेशन। ये चीज इसमें आपसे जो है थोड़ा बहुत पूछ सकता है, वैसे तो मेन चीज यही है
डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी निकाली तो किसी भी टाइम पर हम डिस्प्लेसमेंट में निकाल सकते हैं, वेलोसिटी में निकाल सकते हैं, और फिर वेलोसिटी का एक्सेलरेट डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टी आता मान लीजिए, तो किसी टाइम पर हम जो है एक्सेलरेशन भी निकाल सकते थे, वैसे एक्सेलरेशन ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम टी एस एक्स इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम टी का फंक्शन दे रखा है, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। ए बी और सी क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो इज गिवन बाय। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है ये वाला दे रखा है हमको, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टी, इसी को यूज करके हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी, इसी को यूज करके निकालना है एक्सेलरेशन। और जहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा ठीक है, उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी इसके बारे में हमको जो है बताना है। तो देखो एक्स गिवन है क्या, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, डी एक्स ओवर डी टी जो कि क्या देता है हमको, वेलोसिटी। ठीक है भाई, या फिर स्पीड। अब एक्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो गया, ए प्लस टू बी टी माइनस थ्री सी टी का स्क्वायर। अब डी वी ओवर डी टी हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन, जो कि बराबर होगा, ये तो हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा, टू बी माइनस सिक्स सी टी। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन को हम जीरो पुट कर देते हैं, तो दो बी माइनस छः सी टी, टू बी माइनस सिक्स सी टी इज इक्वल टू जीरो, सो इट इज इक्वल टू दिस। टाइम इज इक्वल टू एट दिस व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, सो टू बी ओवर सिक्स सी इज इक्वल टू टी, सो इट इज बी ओवर थ्री सिक्स। एट टाइम टी इज इक्वल टू बी ओवर थ्री सी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम टी, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू बी ओवर थ्री सी देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो मींस एट टाइम टी इज इक्वल टू बी ओवर थ्री सी, व्हाट इज द वेलोसिटी, सो वी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज बी ओवर थ्री सी, बी ओवर थ्री सी माइनस थ्री सी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर ओवर थ्री, थ्री इज नाइन सी स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू ए प्लस टू बी स्क्वायर ओवर थ्री सी माइनस नौ थ्री, थ्री इज नाइन एंड वन सी कैंसल विद वन सी, सो इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर थ्री सी। नाउ टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री, सो बेस इज कॉमन एंड इट इज इक्वल टू दिस, सो टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली बी, सो ए प्लस बी स्क्वायर ओवर थ्री सी, सो ए प्लस बी स्क्वायर ओवर थ्री सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट चॉइस। यहां पर जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा। इसमें से जो निकालना होगा हमको क्या, कि जब एक्सेलरेशन जीरो है तब वेलोसिटी जो है कितनी होगी, मतलब कि टाइम बी डिवाइड बाय थ्री सिक्स पर वेलोसिटी क्या होगी, जो कि एक्सेलरेशन इस टाइम पर जीरो है। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इसमें क्या है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी U, कोई बॉडी है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया वेलोसिटी U के साथ, इट पासिस थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी। ये मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका गया उसको ऊपर इस डायरेक्शन में, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है U, किसी इनिशियल वेलोसिटी U के साथ उसको ऊपर की तरफ फेंका गया। इट पासिस थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये किन्हीं तीन पॉइंट्स ए बी और सी को क्रॉस करती है। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट ए बी और सी, ये तीन पॉइंट्स को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं इन इट्स अपवर्ड जर्नी,
चलिए ऊपर की तरफ जा रही है, तीन पॉइंट को क्रॉस करते हैं विद वेलोसिटी यू टू यू थ्री एंड यू बाय फोर रिस्पेक्टिवली, यू टू यू थ्री एंड यू फोर, यू ओवर टू यू ओवर थ्री एंड यू ओवर फोर, ये तीन वेलोसिटी के साथ जो है ए बी और सी को क्रॉस करती है। जब यहां पे होगी तब यू डिवाइड बाय टू, और जब यहां पर होगी यू डिवाइड बाय थ्री, और यहां पर होगी यू डिवाइड बाय फोर। द रेशियो ऑफ ए बी एंड बी, ए बी डिवाइड बाय बी सी इज, तो हमको बताना है ए बी डिवाइड बाय बी सी ये क्या होंगे, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस एस टू और एस थ्री, यहां से यहां तक मान लेते हैं एस वन, तो एस टू डिवाइड बाय एस थ्री क्या होगा, एस टू डिवाइड बाय एस थ्री क्या होगा, इसके बारे में हमको बताना है। अब देखो इसको ना थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं, एक दो और तीन, ठीक है ना, ये वाला है एस टू, एस टू इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी दे रखी है यू बाय टू, इस वाले पॉइंट पर दे रखी है यू बाय थ्री। अब देखो u हमको गिवन है यहां पर, v हमको यहां पर गिवन है, डिस्टेंस s2, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ फेंका है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस g होगा, ठीक है। तो लगा देते हैं क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस वी, फाइनल वेलोसिटी मतलब कि इस वाले पॉइंट पर, तो वो होगी u बाय थ्री का स्क्वायर माइनस u वाली वेलोसिटी जो कि इनिशियल वेलोसिटी है यहां से और यहां तक के इंटरवल के लिए, इस पॉइंट के लिए ये क्या होगी u बाय टू का स्क्वायर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई में a, a क्या है माइनस के g, मैंने माइनस पहले लगा दिया, टू जी मल्टीप्लाई में s, s का मतलब क्या है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो कि क्या है a से लेकर b, a और b, ठीक है भाई। अब आ जाओ इसके लिए और इसके लिए, ये u2 u3 और ये क्या है u4, ठीक है, v square minus u square is equal to 2as, so u by 4 का whole square minus u by 3 का whole square is equal to 2g multiply by b और c, b और c, ठीक है। अब देखो हमको इसका और इसका रेशियो निकालना है, तो इसमें क्या है ab divided by bc आ गया ना हमारे पास, तो अब इसको ना यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे u स्क्वायर डिवाइड बाय 3 3 इज 9 माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 2 g ab डिवाइड बाय ये वाली चीज माइनस 2 g bc, इसके डिवाइड में ये वाली चीज u square divided by 16 minus u square divided by 9। अब इससे इसको कैंसिल कर दो, तो ab divided by bc ये चीज हमको जो निकल कर आएगी बताइए कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4u square minus 9u square divided by 36 divided by 9u square minus 16u square divided by 144, ठीक है, ये दिख रहा है ना अभी, ठीक है। ये क्या हो गया माइनस 5 u स्क्वायर डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 144 डिवाइड बाय माइनस 7 u स्क्वायर, 16 में से 9 गए 7 होंगे और माइनस के ये 4 पे जाएगा, u स्क्वायर से u कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या होगा 20 बटे 7। तो ab डिवाइड बाय bc का जो रेशियो होगा वो 20 बटे 7, यानी कि इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसमें सही ऑप्शन हमारा जो है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, जो बॉडी है
वो ड्रॉप की गई है कहाँ से? मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से। इट पासिस सेलिंग ऑफ अ 15th स्टोरी एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके इसमें क्या है, ये एक तरह से ना फ्लोर बने हुए हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में, स्टोरेज है। ये द हाइट ऑफ ईच स्टोरी इज 4 मीटर। हर एक की हाइट कितनी है? 4 मीटर है हर एक की, अपनी अपनी हाइट 4 मीटर है। देन द नंबर ऑफ स्टोरेज इन द बिल्डिंग इज, तो हमको बतानी है टोटल इसमें जो है कितने स्टोरेज हैं, हमको बताना है एंड नंबर ऑफ वो बताना है। अब देखो उसने बोला कि जब ये ऊपर से ड्रॉप करते हैं ना, तो जो 15वें नंबर पे है, ठीक है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके जो 15वें नंबर पे है, उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीड है, वो स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। जब ये 15वें नंबर पर आ जाता है, देखो 15 का से एक दो तीन चार ऐसे करके 15 नंबर पे जब आता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमको बताना है नंबर ऑफ स्टोरे, 15 तो है, 15 से ऊपर कितने और से स्टोरे हैं, मतलब जैसे जो इसके ऐसे बीच में फ्लोर हैं उनके बारे में हमको बताना है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे इतने ऊपर और कितने फ्लोर हैं, उन फ्लोर्स के बारे में हमको बताना है, मतलब कि स्टोरी के बारे में हमको बताना है भाई ऊपर और कितने हैं। तो ये मान लीजिए इस ये वाली छत है, ये छत से यहाँ से फेंका गया, तो ये वाला डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है, और इस डिस्टेंस में देख लेंगे भी हम कितने वो हमारे पास स्टोरे बने, क्योंकि एक जो स्टोरे है, एक जो फ्लोर है, दो एक ये एक फ्लोर ये है और दूसरा फ्लोर ये है, तो इनके बीच में जो गैप है वो कितना है? 4 मीटर का। तो डिस्टेंस निकाल के तो उसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो है निकल कर आ जाएगा। अब ये वाला गैप निकालना है, ठीक है, गैप निकालने के लिए अब यहाँ पर देखो हमको क्या दिया है, v गिवन है, इस ये वाली वेलोसिटी गिवन है। अब u क्या है हमारे पास? 0, और ऊपर से ड्रॉप क्या है, तो g इज इक्वल टू कितना? 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स पे हम ले लेंगे। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय s। अब देखो s की जगह क्या लेना है हमको, यानी कि डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या होगा, देखो अब कितने हैं वो, चार चार के गैप वाले है ना, चार चार के गैप वाले कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, चार चार के गैप के कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं। अब v क्या है हमारे पास, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली स्पीड, तो v स्क्वायर। अब u क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 के बराबर है, इज इक्वल टू ये गया 80 n, तो ये हो गया 400 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 5। तो 15 के ऊपर और कितने जो फ्लोर है, टोटल नंबर ऑफ 5 फ्लोर है, टोटल कितने हो गए, 15 और 5 जो कि 20 फ्लोर है, 15 के ऊपर 5 और फ्लोर है, ठीक है ना। टोटल नंबर हमारे पास 20 क्या है, नंबर ऑफ स्टोरे कितने पास है, 20, ठीक है। इसमें हमको बस यही बताना था कि कितने नंबर ऑफ स्टोरे हैं 15 के बाद कितने हैं, या फिर टोटल कितने हैं, ये इसके बारे में हमको बताना, मतलब कि नंबर ऑफ स्टोरे इन द बिल्डिंग इज, मतलब टोटल बिल्डिंग में कितने स्टोरे हैं, इसके ऊपर 5 है, इसके नीचे 15 है, तो 15 और 5 कितने हो गए, 20। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक है, 20 हमारा जो है ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अरे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अ पार्टिकल इनिशियली दैट इज एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम कितना दे रखा है, 0, मूविंग विद अ वेलोसिटी यू, ठीक है, एक पार्टिकल है ऐसे भाग रहा है वो, ठीक है ना, इधर की तरफ। मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, मैंने उसको यहाँ इस पॉइंट पे देखा, ठीक है ना, इसके पास अपनी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है भाई, उन्होंने बोल रखा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, इस पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, और टाइम मैंने यहाँ से उसको देखना स्टार्ट किया है, वो पीछे से ही भागता हुआ रहा है अपनी कुछ वेलोसिटी के साथ, लेकिन मैंने जो है मान लीजिए यहाँ पर कुछ लगा रखा है कोई भी सिस्टम मैं, और यहाँ से उसको जो है टाइम देखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से टाइम उसका कैलकुलेट करते हैं। यू इज सब्जेक्टेड टू आर रिटार्डेड फोर्स, वेलोसिटी यू इज सब्जेक्टेड टू आर रिटार्डेड फोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट डीएक्सेलरेट एट अ रेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के वी। अब इस पॉइंट के बाद क्या होता है कि वो डीएक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना भाई, उसका जो एक्सेलरेशन घटना स्टार्ट हो जाता है,
यानी कि वो डीएक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गया, और उसका जो डीएक्सेलरेशन है वो क्या दे रखा है, माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ v, वेयर v इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पर v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, और k क्या है हमारा, पॉजिटिव कांस्टेंट है। द टाइम t टेकन बाय पार्टिकल कम टू रेस्ट, मतलब कि यहां पे मान लीजिए वो आकर रुक गया तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना होगा, ठीक है, यानी कि इस पे जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक का उसने टाइम लिया t, तो t इज इक्वल टू जीरो एंड t इज इक्वल टू t, ये वाला u और ये वाला वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो, ठीक है। हमको बताना है ये वाला टाइम क्या होगा भाई, एक्सीलरेशन की कर्व दे रखी है, सो एक्सीलरेशन दे रखा है क्या, माइनस के ये वाला एक्सीलरेशन दे रखा है, ठीक है। हमको निकालना है टाइम, अब टाइम निकालना है, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी दे रखी है। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, डीवी ओवर डीटी इज इक्वल टू माइनस के वी, कैलकुलस यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है भाई। अब देखो डीवी के डिवाइड में जाएंगे इस रूट वी को और माइनस के डी टी, ठीक है भाई। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब वेलोसिटी कहां से है, यू से लेकर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी जो की होगी जीरो। अब ये वाला टाइम इज इक्वल टू जीरो से लेकर टाइम इज इक्वल टू टी तक, और हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। और देखो ये डीवी ओवर रूट वी है, इस रूट वी को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे, रूट वी का मतलब क्या होता है, वी की पावर एक बटे दो, ठीक है भाई। अब इस रूट वी को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वी की पावर माइनस एक बटे दो, ये हो जाएगा ना ऊपर जाकर, सो v की पावर माइनस एक बटे दो और dv, ऐसे लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, v की पावर माइनस एक बटे दो प्लस एक, माइनस एक बटे दो प्लस एक, और लिमिट कहां से कहां तक, u से लेकर जीरो तक इज इक्वल टू माइनस k, और ये आपस में कैंसिल, क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टी, ठीक है भाई। और ये कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर कैपिटल टी तक। अब हमको टाइम ही तो निकालना है, बस इसके अंदर टाइम निकालना, टाइम निकाल देते हैं। देखो वी की पावर माइनस हाफ में से वन गया तो कितना हो गया, वन बाय टू। अब इसमें से हाफ माइनस हाफ में से एक गया तो टू, क्योंकि देखो वन बाय टू नीचे होगा और ये टू ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू इज इक्वल टू, ठीक है। और इसकी जो है क्या, u से लेकर जीरो माइनस के। अब इसमें ना लिमिट लगा देता हूं मैं सीधी, अब यहां पर लगाई नहीं है, ठीक है ना, यहां पर भी लिमिट लगाई नहीं, इसको सॉल्व किया है और यहां पर लिमिट लगाते हैं। अपर लिमिट क्या है, t, ठीक है ना, माइनस लोअर लिमिट क्या है, जीरो। तो ये हो जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ माइनस के टी। तो ये तो हो गया क्या, माइनस के टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और किस में लगानी है, इसमें माइनस के टी में, तो आप लगाओगे तो ये आपका माइनस के टी निकल कर आएगा। अब इसमें लगाते हैं, देखो दो वी की पावर जीरो, क्योंकि सॉरी वी की पावर जीरो नहीं, एक बार वी की जगह आएगा जीरो, ठीक है ना, माइनस, और एक बार वी की जगह क्या आएगा, ये वाला यू, टू यू की पावर एक बटे दो इक्वल टू माइनस के टी। अब देखो ये जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो हो गया, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो टाइम बराबर क्या हो गया, टू यू की पावर एक बटे दो डिवाइड बाय के। तो ये हमारा जो है टाइम निकल कर आ जाएगा, टू यू की पावर एक बटे दो के, टू यू की पावर एक बटे दो के, क्योंकि यू जो रूट यू है इसका मतलब क्या है, रूट की पावर यू की पावर एक बटे दो। तो इसमें हमको बस यही करना था, हमको बताना था कि टाइम क्या होगा, और टाइम इसमें हमने निकाल दिया। आगे अगली प्रॉब्लम लेते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h। ये हाइट h की क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है भाई। आफ्टर वन सेकेंड अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम बालकनी 25 मीटर बिलो द टॉप ऑफ बिल्डिंग।
यहाँ से क्या करेंगे, एक पत्थर को ना नीचे की तरफ छोड़ेंगे इससे, जैसे ही वो 1 सेकंड नीचे आएगा, ठीक है ना, 1 सेकंड टाइम के लिए नीचे आएगा, ठीक है। फिर इसके नीचे यहाँ पर मान लीजिए 25 मीटर के नीचे यहाँ पे क्या एक बालकनी है, बालकनी से एक दूसरा पत्थर छोड़ेंगे, जैसे ही वो 1 सेकंड टाइम 1 सेकंड के लिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है भाई। मान लीजिए 1 सेकंड में वो इतना चलता है, 1 सेकंड में वो इतना आता है, ठीक है। तो उसके बाद 1 सेकंड के बाद जैसे ही वो जितना नीचे आएगा, हम क्या करेंगे, एक दूसरे पत्थर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे यहां से, ठीक है। तो इस पत्थर को, अब ये वाला पत्थर, ठीक है, और ये वाला पत्थर, दोनों के दोनों एक साथ जाकर जमीन को टकराएंगे, ठीक है। तो देखो, इस पत्थर को जाने के लिए टोटल टाइम लगता है 3, ठीक है। सेम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, हमको बताना है कि इसकी एच क्या है, मतलब कि टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, इसके बारे में बताना है। और ग्रेविटी हमको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर बोल दे कुछ भी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पत्थर को टाइम लगता है टी, ठीक है भाई। अब ये वाला पत्थर है, ठीक है, ये वाला पत्थर को हम 1 सेकंड बाद जो है छोड़ देते हैं, तो इस वाले पत्थर को टाइम कितना लगेगा, यहां से और यहां तक का टाइम लगता है टी। अब टी में से 1 सेकंड इसको हटा दीजिए, तो इस वाले पत्थर को जो बालकनी से आएगा उसको कितना टाइम लगेगा, टी में से एक को घटा दीजिए, t-1 = t1। जो ये वाला जो पत्थर है उसको हम फेंकेंगे, उसको टाइम लगेगा t1। जो t1 होगा वो किसके बराबर होगा, टी में से इस 1 को हटा दीजिए, ठीक है, या फिर टाइम इसको मान लीजिए ये वाला टाइम लगता है, इतना टाइम लगेगा इस वाले पत्थर को, टी में से ये 1 हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, t1 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दोनों क्या करेंगे, एक साथ जमीन पर गिरेंगे, पत्थर गिरेंगे, ठीक है। यहां से छोटा पत्थर 1 सेकंड उसको यहां पर हुआ, फिर हमने यहां से छोड़ दिया उसको, तो देखो इसको छोड़ा ना, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और फिर इसकी भी वेलोसिटी आराम आराम से बढ़ती रहेगी, और दोनों के दोनों क्या करेंगे, फिर एक साथ जमीन पर गिरेंगे। तो इस पत्थर को लगेगा टाइम t1, इसको लगेगा टोटल टाइम t2t, और इसका अपना जो है 1 सेकंड ये पहले ही नीचे आ चुका है, तो इसको कितना टाइम लगेगा जाने के लिए, t-1, जो कि बराबर होगा t1 के। अब हमको निकालना है क्या, टोटल हाइट निकालनी है। तो देखो ये वाला टोटल यहां से लेकर यहां तक h = पहले वाले पत्थर के लिए जो यहां पे है, h = ut, ठीक है, क्या होता है, s = ut + ½ at² होता है ना, ये वाला s कितना है, ये वाला h, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो ड्रॉप के केस है, ड्रॉप का केस होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g को आप 10 दीजिए मल्टीप्लाई बाय t², ठीक है। अब ये वाला केस लीजिए, जब हम इसको यहां से फेंका, सॉरी फेंका नहीं, इसको यहां से छोड़ा, ठीक है। अब ये वाली जो लेंथ है कितनी है, ये वाली टोटल h है, ये वाली 25 है, तो ये कितनी होगी, h - 25, सो h - 25 = सो s = ut। अब u क्या है यहां पर, ये भी ड्रॉप का केस है, तो ये हो गया 0 ½ a। अब टाइम कितना लग रहा है, देखो यहां से जब हमने इसको नीचे फेंका, आप ये मत सोचना कि ये वाला टाइम तो ये है, आप इसके बराबर ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन 1 सेकंड में बस ये मान लीजिए इतना ही नीचे आएगा, ठीक है, इससे ऊपर ही रहेगा, या फिर आप इसके बराबर, अगर आप इसके बराबर लोगे ना, तो इस पॉइंट पे आकर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसलिए जो है ये ऊपर ही रहेगा वैसे। तो टी में से ये वाला 1 घटा देंगे तो क्या हो गया, t1, इसको टाइम लगेगा टोटल t1, जो कि बराबर होगा t-1 का होल स्क्वायर के, ठीक है। हमको निकालना है h, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बस ये t, यानी कि अगर हमको टाइम मिल गया तो हम बता देंगे भाई पूरी की पूरी हाइट कितनी है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे,
इस वाले एच को ना एलिमिनेट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एच माइनस एच प्लस 25 इज इक्वल टू हाफ, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, 5 टी स्क्वायर माइनस 5 टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, एच से एच कैंसिल, 25, अब 5 इसमें से कॉमन लीजिए और इसको हटा दीजिए, ये क्या हो गया 5, सो 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको जो है आगे खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, अब ये वाला नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव और ये वाला प्लस, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर हटा दीजिए, सो 2t इज इक्वल टू 5 प्लस 6, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब यहाँ पर टी की जगह 3 पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45, टोटल हाइट कितनी हो गई इस बिल्डिंग की 45, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये वाला सही होगा। इसमें मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट इसमें ये है कि ऊपर वाले पत्थर को डालेंगे, उसका अपना जो है एच है और अपनी इनिशियल वेलोसिटी है मल्टीप्लाई बाय प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है भाई, इसको डालेंगे, अलग से ड्रॉप किया, ये वाला इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम भी इसका अलग लगेगा, दोनों गिरेंगे एक टाइम पर, लेकिन इसका ये वाला टाइम होगा अपना, यहाँ से जो देखो 1 सेकंड बाद का जो टाइम होगा इसका, ये अपना टाइम होगा, यानी कि टोटल टाइम में से एक हटा दीजिए, ये टी माइनस वन इसका आ जाएगा और इसका तो अपना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है टी, ये टी हमको निकालना है और इसको यूज करके हम क्या कर लेंगे कि भाई ये कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, वो है 45 मीटर।